खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। विधायक जोगिंदर अवाना को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि कानोता के पास निजी बस से टकराई एस्कॉर्ट कर रही जिप्सी गाड़ी। जिप्सी सवार पुलिस जवानों को मामूली चोटें भी आई। विधायक अवाना ने तुरंत घायल जवानों की सुध ली। विधायक को एस्कॉर्ट ही गाड़ी कर रही थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोगिंदर अवाना तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तुरंत जैसे ही दुर्घटना हुई, उन्होंने जो जवान इसमें जख्मी हुए थे उनकी सुध भी ली और उसके बाद उनके प्राथमिक उपचार के लिए उनको अस्पताल में भी भिजवाया गया। ये देखिए तस्वीरें, जयपुर के कानोता की तस्वीरें हैं। विधायक जोगिंदर अवाना गुजर रहे थे और उनके वाहन को पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। सिक्योरिटी पर्पज से एस्कॉर्ट इस तरह से किया जाता है। गाड़ी के आगे काफिले की तरह से गाड़ी चलती है और सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखती है। लेकिन कानोता के पास भी निजी बस से एस्कॉर्ट कर रही जिप्सी गाड़ी, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो टकराई और जिप्सी सवार पुलिस जवानों को इसमें मामूली चोटें भी आई। लेकिन विधायक अवाना ने तुरंत घायल जवानों की सुध ली। पुलिस जानकारी लेंगे, जयपुर से सीओ शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये वाक्य और एक बार विधायक जोगिंदर अवाना जब यहाँ से होकर गुजर रहे थे तो एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, ये आज सुबह की घटना है। जो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और नरवई के विधायक हैं जोगिंदर अवाना, वो आज जयपुर से नरवई की तरफ जा रहे थे। हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है उसका उनको शुभारंभ करना था। लेकिन जयपुर से निकलते ही बगराना के पास एक बस से उनके काफिले में चल रही एस्कॉर्ट की गाड़ी, जो कि उनकी गाड़ी के बिल्कुल आगे चल रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो पुलिसकर्मी थे उनमें से 3 से 4 जो पुलिसकर्मी हैं उनको अच्छी खासी चोट आई है। विधायक जोगिंदर अवाना की जो गाड़ी थी वो एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी के बिल्कुल पीछे चल रही थी और जैसे ही ये हादसा हुआ वहाँ पर जो बस चालक था वो फरार हो गया बस में, बस को छोड़कर मौके पर। जोगिंदर अवाना ने जो उनके काफिले के लोग थे जो उनको एस्कॉर्ट करते हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि उनको वाइस सिक्योरिटी मिली हुई है राजस्थान सरकार से, तो उनकी उन्होंने जाके खैर खबर ली क्योंकि उनकी गाड़ी पीछे ही थी और ये उन्होंने इंश्योर किया कि जिन भी लोगों को चोट आई है उनको फर्स्ट एड मिले, जिसको फर्स्ट एड के बाद इलाज की जरूरत है वो इलाज मिले। उन्होंने खुद ने जो एक नजदीक में प्राथमिक उपचार के लिए उनको पहुंचाया, उनको उनको एडमिट करवाया जो जरूरत थी और उसके बाद वो रवाना हुए हैं अपने गंतव्य के लिए। और हमको जो उनका तय कार्यक्रम था जैसी उससे 2 घंटे की देरी से वो पहुंचेंगे नदवई खानुआ, जहां से आज इस अभियान की शुरुआत होनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोगिंदर अवाना की अवाना को किसी तरीके की चोट नहीं आई है, ही सेफ, वो सेफ है और उनकी गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। चलिए शिवेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।